फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे जो है आप ऑनलाइन जो है अर्निंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज आपको जो अर्निंग का तरीका बताने वाला हूं उसमें आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन एक फ्री में ऐप क्रिएट कर सकते हो जो आपके नाम का होगा। आप अपने चैनल का जो है एक ऐप बना सकते हो और उसे गूगल या प्ले स्टोर में रन करा सकते हो। फ्रेंड्स, एक जब हम एक ऐप बनाते हैं, एक ऐप डेवलप करते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको कोडिंग जावास्क्रिप्ट या फिर C++ या आपको कोडिंग आनी चाहिए। पर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ये चीज़ नहीं आती उसके बावजूद भी आप एक फ्री में ऐप जो है क्रिएट कर सकते हो और गूगल के प्ले स्टोर में उसे रन करा सकते हो और बहुत ही अच्छी जो है अर्निंग कर सकते हो। और ये सब कुछ जो है फ्री में होगा, आपको एक रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कैसे होगा ये जानने के लिए आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना है। और वीडियो शुरू होने से पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब बताता हूँ कैसे आप एक फ्री में ऐप जो है डेवलप कर सकते हो और गूगल के प्ले स्टोर में उसे रन करा सकते हो और अच्छी खासी जो है अर्निंग जनरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ऐप बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे आ जाना है। जैसे फ्रेंड्स आप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे आते हैं, ऊपर आपको सर्च करना है यहाँ पे appsguessr.com। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये वेबसाइट, आपने जो है ऐप्स गैसर को आपने सर्च करके सिंपल सा इसे टैप कर देना है और कुछ इस तरीके का फ्रेंड्स ये जो ऐप होगा ओपन होगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर है क्रिएट नाउ फॉर फ्री। फ्री में आप यहाँ पे जो है ऐप बना सकते हो और उससे अच्छी खासी जो है अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉगिन भी हो सकते हो, पर फ्रेंड्स पहले ऐप हम बना लेते हैं उसके बाद इसमें हम लॉगिन होंगे। पहले बताता हूँ कैसे आप जो है ऐप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा हमें यहाँ पे क्रिएट नाउ फॉर फ्री पे हमें यहाँ पे जो है टैप कर देना है। उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं फ्रेंड्स, एक होता है बिजनेस, एक होता है इंडिविजुअल। तो हमें इंडिविजुअल करना, तो हम जैसे इंडिविजुअल पे मैं टैप करता हूँ तो फ्रेंड्स ये इतने सारे जो ऐप हैं तो ये आ जाते हैं। ये हमें किस तरह का ऐप हमें बनाना है ये उसका है। जैसे आप चाहते हो फ्री वीडियो कॉलिंग वाली कोई आप ऐप बनाना चाहते हो, कोई वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, क्विज से रिलेटेड कुछ बनाना चाहते हो, गाइड या फोटो कीवर्ड वॉलपेपर या कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जैसे मीडिया या फिर फ़ोटो एडिटर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको बताता हूँ, जैसे मुझे बनाना है फ़ोटो एडिटर पे, मैंने इस पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद फ्रेंड्स ये जो है कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपने सिंपल सा नेस्ट कर देना है। नेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने ये अच्छे से रीड करना और यहाँ पर जो है इसे कंटिन्यू करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर देख सकते हो चूज़ मेन जो है मेन्यू सिस्टम आपको किस टाइप का चाहिए, तीन ऑप्शन है, इसमें से आप सेलेक्ट कर लो और अटेस्ट फाइल करनी। और ये फाइल किस चीज़ की है आप यहाँ पढ़ सकते हो, हेयर यू कैन अपलोड इमेज ऑफ योर ऑन फोटो एडिटर की। आप यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे एक फ़ोटोज़ ले लेता हूँ, जैसे मैंने फ्रेंड ये वाला फ़ोटो ले लिया है और मैं इसे क्रॉप भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हो और यहाँ पे जो है क्रॉप कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा एक होता है अटेस्ट दूसरी इमेज चाहिए हमें, हेयर यू कैन अपलोड इमेज फॉर योर फोटो एडिटर बैकग्राउंड का, आप किस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सिंपल से मैं आपको बताने के लिए कोई भी एक यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला ले लिया है तो मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ फ्रेंड्स अपने हिसाब से। तो ये पहला जो स्टेप है इसे मैं नेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे मैं इसे नेस्ट करता हूँ आप देख रहे होंगे ये सेकंड ऑप्शन अब हमारा आ गया। यहाँ पे है चूज़ बटन स्टाइल, अब हमें अपने जो ऐप है उसके बटन किस टाइप का चाहिए। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ये वाला ये वाला। तो फ्रेंड जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ये लास्ट वाला, तो मैं सेलेक्ट कर इसे नेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो लास्ट का हमारा ऑप्शन आता है ये है सेट स्टिकर आइकन। तो ये आपका स्टिकर जो है फ़ोटो जो आप ऐप क्रिएट कर रहे हो उसका कैसा आइकन होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे भी आप कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। तो फ्रेंड जैसे मैं यही वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, क्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो एल्बम नेम, स्टिकर एल्बम नेम। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ जैसे कमल, तो मैंने कमल लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ है ड्रॉप योर इमेज हेयर ऑफ सेलेक्ट इमेज, एक इमेज मुझे यहाँ पे और सेलेक्ट करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ,
कोई भी एक इमेज मैं यहाँ से और ले लेता हूँ। तो फ्रेंड जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ प्ले स्टोर वाली ले लेता हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से जो है ले लिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे नेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐप लास्ट में हमें ऐप का नेम रखना है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ अधिकारी। तो फ्रेंड्स सिंपल से मैंने इसे अब नेस्ट कर दिया है। फ्रेंड यहाँ पे आपको जो है आइकन का ऑप्शन आता है कि आप ये डिफ़ॉल्ट आइकन चाहिए कि कस्टमाइज करना है। आप अगर कस्टमाइज करते हो तो यहाँ से भी आपको अपने आइकन का एक जो है फ़ोटो डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जैसे डाल देता हूँ, कुछ भी एक डाल देता हूँ, ये वाली मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और क्रॉप कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये सब कुछ हो चुका है, हमने सब कुछ यहाँ पे कर लिया और नेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ हमारा हो चुका है। स्टेप वन पे चूज़ मेन्यू स्टाइल हमने कर दिया, चूज़ बटन स्टाइल, चूज़ ऐड स्टिकर, ऐप नेम, आइकन। तो यहाँ पे अब मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स क्रिएट जैसे ही मैं करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे जो है लॉगिन होना है। फ्रेंड्स आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो साइन इन विथ गूगल, या फिर कंटिन्यू विथ फेसबुक, और साइन इन विथ ईमेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो है गूगल जो है कंटिन्यू विथ जो है फेसबुक से कर देता हूँ। इसमें फ्रेंड्स आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, तो मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ कंटिन्यू विथ फेसबुक। तो फ्रेंड्स जैसे मैं फेसबुक से लॉगिन होता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेता है, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे टाइमिंग भी शुरू हो चुकी है। तो ये ऐप कुछ इस तरीके से है, ऊपर जो है मेरा नाम है फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे। और फ्रेंड्स अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ऐप है बनके तैयार हो चुका है, और साइड में आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आप इसमें एडिट कर सकते हो, यहाँ पे इसे मोनेटाइज करा सकते हो। पर फ्रेंड्स आपको मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पे जो है एड मॉप का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसे पब्लिश कर सकते हो। बैकअप, एडिट, यहाँ पर जितने फीचर हैं आप सबको यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पे जो है प्ले स्टोर का आपको ऑप्शन मिल रहा है, आप इसे प्ले स्टोर पे जो है पब्लिश भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बहुत ही जो है आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कैसे जो है आप फ्री में जो है गूगल प्ले स्टोर पे अपना ऐप को रन करा सकते हो, और बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे आप हज़ारों में लाखों में जो है अर्निंग कर सकते हो। फ्रेंड्स बहुत ही इजी वे है, ऐप से कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है ये आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इतने सारे ऑप्शन हैं आप इनको जो है यहाँ पर चला सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ, ऊपर ऑप्शन है डाउनलोड का, तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। फ्रेंड्स ये डाउनलोड शुरू हो चुका है, 100% हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, और अब ये डाउनलोडिंग जो है यहाँ पे शुरू हो गई है। आप देख रहे होंगे डाउनलोड यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जैसे ये 100 होता है तो मैं इसे इंस्टॉल करके भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो डाउनलोड यह कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसे रन कराता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसे सिंपल सा यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी।